क्या लगता है अपाची अच्छी है या फिर एक्सट्रीम अच्छी है? यार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करते हो कि भाई वीडियो बना के बताओ कि कौन सी बाइक अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जरूरत कौन सी बाइक पूरी करेगी, आपके लिए कौन सी बाइक बनी हुई है, इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा। मैं आप सभी का वीर जी आदि राव और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक के लुक से। सबसे पहले आप एक्सट्रीम 160R के लुक को अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको फुली LED सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट के अंदर, इंडिकेटर के अंदर, टेल लाइट के अंदर आपको हर जगह LED दिखाई देती है, और डिज़ाइन भी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लगता है अपाची के कंपेरिजन में। अपाची 162V की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके साथ ही अपाची 160 का जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो आपको हेलोजन हेडलाइट के साथ हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, LED टेल लाइट मिलती है, और थोड़ा सा सिंपल लगता है एक्सट्रीम के कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पे डिज़ाइन किसी को कुछ पसंद आने वाला है, किसी को कुछ पसंद आने वाला है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है लुक के अंदर, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है। इसके साथ ही अगली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर सीट की बात करें तो सीट दोनों ही बाइकों की काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि एक्सट्रीम की सीट जो पिलियन सीट है, राइडर की सीट दोनों की कंफर्टेबल है, दोनों की अच्छी है। पिलियन सीट के अंदर एक्सट्रीम थोड़ी सी मात खा जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप एक फैमिली के हिसाब से बाइक ले रहे हो, फैमिली की कोई लेडीज़ भी कभी ट्रेवल करती है आपकी बाइक पे, तो आपके लिए अपाची 160 एक बेटर चॉइस है, क्योंकि उस पर लेडीज़ आराम से बैठ सकती है, एक्सट्रीम पे वो चीज़ कंफर्टेबली नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अपाची विनर हो जाती है। इसके अलावा अगली चीज़ की बात करें, साइलेंसर दोनों ही बाइकों का एक स्पोर्टी साउंड निकालता है, दोनों ही आवाज़ आपको पसंद आएगी, लेकिन एक्सट्रीम 160R का साइलेंसर थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, अपाची का थोड़ा सिंपल लगता है, ये थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे आ जाता है। ओवरऑल दोनों बाइकों का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, एक्सट्रीम थोड़ी सी एग्रेसिव लगती है, ये एक स्पोर्ट नेक्ड सीरीज़ की बाइक लगती है। इसके साथ ही अपाची एक स्पोर्ट कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लगती है, देखने से दोनों बाइकों का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के इंजन के बारे में, इनका हर्ट कैसा क्या है और कैसे काम करता है दोनों का। एक्सट्रीम में आपको 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है, और इसके साथ इसकी पावर फिगर की बात करें तो ये आपको 15.3 bhp की पावर, उसके साथ ही 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और ये 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। और यहीं पे अगर अपाची की बात करें तो यहाँ पे आपको 160cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलता है, जिसकी पावर फिगर की बात करें तो ये आपको 15.53 bhp की पावर देता है, उसके साथ ही 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और ये भी 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, और दोनों ही इंजन 2-valve है, मतलब दोनों इंजन में आपको 2-valve देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम हो जाती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में अपाची 164V को कंपैरिजन नहीं किया है एक्सट्रीम के साथ, क्योंकि उसके अंदर आपको 4-valve मिलते हैं इंजन के अंदर, और टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन इसकी भी बात आगे करेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि देखो, नंबर्स दोनों ही बाइकों के ऑलमोस्ट सेम है, अपाची की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है और टॉर्क एक्सट्रीम का थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगता है, लेकिन नंबर को छोड़ के अगर रियल लाइफ की बात करें तो मैंने दोनों बाइक चलाई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपाची थोड़ी सी क्विक लगती है एक्सट्रीम के मुकाबले, और आपको टॉप स्पीड भी अपाची में थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, उसमें आपको 124 या फिर 125 तक, 124 125 और एक्सट्रीम के अंदर आपको 120 से 122, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, इससे 2-4 कम ऊपर हो जाती है हमेशा। तो यहाँ पे दोनों बाइकों का आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, और यहाँ पर अपाची विनर हो जाती है। इसके साथ ही बात करते हैं माइलेज की, तो एक्सट्रीम के अंदर आपको 50 से 55 की माइलेज देखने को मिलेगी, और अपाची के अंदर आपको 45 से 50 की माइलेज देखने को मिलेगी। मैंने एक आइडल स्पीड में माइलेज बताई है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा हार्ड चलाते हो तो आपकी माइलेज कम भी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे एक्सट्रीम विनर हो जाती है। अगली चीज़ की बात करें ब्रेक्स के बारे में, दोनों ही बाइकों में आपको डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क का ऑप्शन मिलता है, तो ब्रेक दोनों ही बाइकों के लगभग समान है और सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं। इसके साथ ही बात करते लेते हैं टायर साइज़ के बारे में, यहाँ पे एक्सट्रीम के अंदर आपको फ्रंट में 110 80 17 का टायर मिलता है, और रियर में आपको 130 70 17 का टायर मिलता है। अपाची के अंदर आपको फ्रंट में 90 90 17 और रियर के अंदर आपको 110 80 17 का टायर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे टायर साइज़ के मामले में एक्सट्रीम ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखाती है, आपको ज़्यादा बेटर हो जाती है, और यहाँ पे एक्सट्रीम विनर हो जाती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलते हैं, यहाँ कोई अलग चीज़ नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, दोनों ही बाइकों के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, रियर में डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी अलग है दोनों रियर से। रियर के अंदर आपको एक्सट्रीम में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, 7-step एडजस्टेबल है। उसके साथ ही अपाची के अंदर आपको डुअल इन्वर्टेड गैस फिल्ड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं,
तो यहाँ पे सस्पेंशन के हिसाब से एक्सट्रीम विनर हो जाती है, एक्सट्रीम आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसके अलावा बात करते हैं अब इनकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। एक्सट्रीम के अंदर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, उसके साथ ही अपाची के अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप विलेज में रहते हो और आपके आसपास के रोड टूटे फूटे हैं तो आपके लिए अपाची बेटर चॉइस हो जाती है, यहाँ पे अपाची विनर हो जाती है। इसके साथ ही बात करते हैं दोनों बाइकों की सीट हाइट की, तो यहाँ पे दोनों ही बाइकों में आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यहाँ पे दोनों ही बाइक सेम है। आप दोनों बाइक के फीचर्स को देखते हैं, दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, उसके अलावा एक्सट्रीम में आपको किक प्लस स्लप का ऑप्शन मिलता है, अपाची में ओनली स्लप दिया हुआ है, किक यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा बात करें मीटर के बारे में, तो एक्सट्रीम में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल आपको दी गई है। और अपाची में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिलता है, लेकिन ये मीटर एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ पे RPM आपको एनालॉग मिलता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें डिजिटल है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, लो बैटरी इंडिकेटर, उसके अलावा टॉप स्पीड भी आप देख सकते हो कि आपकी बाइक मैक्स कितनी स्पीड तक जा चुकी है। तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती, बाकी सारी चीज़ें सेम है, RPM, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये सब चीज़ें आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिलती है। अब दोनों बाइक की प्राइस की बात करें, तो एक्सट्रीम की सिंगल डिस्क की प्राइस यहाँ पे 1 लाख और डुअल डिस्क की प्राइस यहाँ पे 1,03,000 है, जो कि ऑन रोड आपको 1,19,000 से 1,22,000 तक आपको देखने को मिलेगी। अपाची 160 की प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क की प्राइस 97,500 और उसके अलावा डुअल डिस्क की प्राइस आपको 1,00,000 देखने को मिलती है, जो कि ऑन रोड आपको 1,17,000 से 1,19,000 तक देखने को मिलेगी। ये दोनों बाइकों की प्राइस है। और एक लास्ट में आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप गांव में रहते हो और फैमिली वगैरह भी बैठना, फैमिली की जो मेंबर होती है, लेडीज़ होती है, उनको भी बैठाना पड़ता है बाइक पे, तो आपके लिए अपाची ही बेस्ट है। और आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको थोड़ी गुड लुकिंग बाइक चाहिए, थोड़ी सी लुकिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आपके लिए एक्सट्रीम बेस्ट है। तो दोनों बाइक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे आके, बाकी पावर ऑलमोस्ट सेम है, अपाची थोड़ी सी क्विक हो जाती है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ दोबारा एक बार, माइलेज एक्सट्रीम की थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो बड़े सिंपल शब्दों में कि भाई कौन सी बाइक आपके लिए बनी हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो एक वीडियो एक्सट्रीम 160R और अपाची 164V की भी लेके आएंगे, जिसमें इन दोनों बाइकों का कंपेरिजन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, बाकी बाइक से बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टा और फेसबुक की आईडी दे रखी है, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।